हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी SPM का क्रेडिलो क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो, आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है इस क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ दोस्तों, कि ये क्रेडिट कार्ड कितने के वाउचर्स देती है, इन वाउचर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन वाउचर्स को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसमें हम FD कितने की करा सकते हैं, और क्या होगा अगर हमारी जो KYC है रिजेक्ट हो जाएगी तो हम क्या रीअप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और KYC हम सक्सेसफुल कैसे कराएं, और इस कार्ड को हम कैसे अवेल करें दोस्तों। इतना ही नहीं दोस्तों, आप हमारे तरफ से ₹500 के यहाँ पे कैश वाउचर पा सकते हो। डायरेक्टली फ़ोन पे आप कैश ₹500 का पा सकते हो। ये सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, उन सब्सक्राइबर खासकर 50 सब्सक्राइबर जो हमारे लिंक के थ्रू यूज़ करेंगे और कार्ड को अवेल करेंगे, जिनको ये कार्ड आ जाएगा मतलब आउट हो जाएगा घर के लिए, तो उनको ये ऑफ़र मिलेगा अगर आप हमें स्क्रीनशॉट भेजते हो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल के ही पिन कमेंट में हमने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, उसमें आपको शेयर करना है। हमारी टीम आपको ट्रैक करेगी कि आपने हमारे लिंक से किया या नहीं। अगर आपने हमारे लिंक से किया होगा, आपका कार्ड सक्सेसफुल आपको अगर मिल जाएगा, तो ₹500 का डायरेक्ट आपको बेनिफिट मिल जाएगा हमारे तरफ से। और कंपनी आपको क्या दे रही है, बहुत सारे बेनिफिट दे रही है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है, KYC जब आप करेंगे ना, ये बात आप मेंशन नहीं करेंगे। जैसे ही अगर ये बात आप मेंशन करेंगे KYC करने के टाइम पे, आपका तुरंत रिजेक्ट हो जाएगी KYC। आपको सिंपली KYC जर्नली करनी है, उसके लिए जो भी पूछा जाएगा वो आपको सही से आंसर देना है, ठीक है। आपको ये नहीं बोलना है कि मैं कैशबैक के लिए कर रहा हूँ, ये इसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या इसमें बेनिफिट मिलने वाले हैं दोस्तों। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने सिविल स्कोर को अच्छा खासा इंक्रीज़ कर सकते हो कुछ मंथ के अंदर। यहाँ पे अगर आप कुछ लिमिट यूज़ करते हो, उसका टाइमली पेमेंट कर देते हो, तो उसका यूज़ कर सकते हो दोस्तों। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों, हर ट्रांजेक्शन में आपको 1% का कैशबैक भी मिलता है इस कार्ड में। जैसे कि आप लोग शॉपिंग करते हो या राशन लेते हो घर का, तो आप लोगों को पता है कि आजकल हर आम इंसान के घर में जो भी राशन आता है या जो भी सामान आता है ना, तो वो एटलीस्ट हम कह सकते हैं ₹4-5 हज़ार का तो होता ही है, या 10 हज़ार 20 हज़ार का भी होता है। लेकिन अगर आप उसी को यूज़ करोगे कार्ड के थ्रू दोस्तों, इस कार्ड के थ्रू, तो आपको 1% का कैशबैक मिलेगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, अगर आप ₹10 हज़ार स्पेंड कर रहे हो तो आपको 1% का इसमें कैशबैक भी मिल रहा है हर ट्रांजेक्शन्स में। ये बेनिफिट तो है ही है। साथ ही साथ में दोस्तों, आपको आई थिंक ₹2250 के वाउचर्स मिल रहे हैं, और ₹1100 के समथिंग समथिंग आपको गिफ्ट वाउचर्स मिल रहे हैं, गिफ्ट कार्ड मिल रहे हैं, ऐसा करके कुछ मिल रहा है, जो कि अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, सीधे सीधे डिटेल में समझाऊंगा। बस आप ऊपर ऊपर सभी चीज़ें समझ लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन पहले इस वीडियो को देख लो कैसे अप्लाई करना है, उसके बेनिफिट क्या क्या हैं, वो सब हम आपको यहाँ पर डिटेल में आप समझाने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पे नए थे, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों, SBM क्रेडिलो क्रेडिट कार्ड के एक बार फिर से मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अभी क्या था कि यहाँ पे SBM क्रेडिलो क्रेडिट कार्ड ने कहा था कि अगर कोई कस्टमर 25 हज़ार से ज़्यादा की FD करता है, तो उसको कैश वाउचर मिलेंगे ₹2100 की, ठीक है। लेकिन अभी इन्होंने क्या करा है कि अगर आप ₹5 हज़ार की FD करते हो ना, तो भी आपको ₹2100 का यहाँ पे कैश वाउचर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये कैश वाउचर ऐसा है कि जैसे कि आप मान लो कि जोमेटो में कुछ खरीदते हो खाने के लिए ना, तो आप जो है ₹200 तीन गिफ्ट कार्ड मिलेंगे आपको। आप गिफ्ट कार्ड कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये जो गिफ्ट कार्ड मिलेगा, जब आपका कार्ड आएगा उसी टाइम पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो इसमें ₹200 के 3 महीने तक आप क्या कर सकते हो, इसमें यहाँ पे आप जोमेटो में आप लोग ऑर्डर तो करती हो खाने के लिए, ठीक है, तो आपको ₹200 हर महीने का मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छी है। वहीं पे अगर आप मूवी देखने के शौकीन हो, तो तीन यहाँ पे जो गिफ्ट कार्ड है वो बुक माई शो के भी मिलते हैं, ठीक है। मान लो ये आपको पैक ए नहीं चाहिए, तो पैक बी में भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मान लो आप लोग कपड़े खरीदने के शौकीन हो, तो मिंत्रा के आपको तीन गिफ्ट कार्ड मिल रहा है, जिसमें ₹2500 की कॉस्ट है। वहीं पर नायका के अगर आप कुछ खरीदते हो, तो नायका में भी ये चीज़ मिल रही है। तो मतलब आप आज तक कोई भी आपने FD कार्ड देखा होगा ना, जैसे कि मैंने खुद पहले बहुत सारे FD कार्ड्स देखे हैं, इतने बेनिफिट्स मुझे किसी भी कार्ड में नहीं देखने को मिले जो कि इसमें मुझे देखने को मिल रहा है। एक चीज़ मैं फिर से क्लियर कर दूंगा कि मिनिमम आपको 5 हज़ार की FD करानी है, तब भी ये आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। पहले ये था कि आपको ₹25 हज़ार की मिनिमम FD करानी होती थी। तो FD के बहुत सारे फायदे भी हैं, वो भी मैं भी बताऊँगा। साथ ही साथ में ₹1100 के आपको वेलकम वाउचर्स भी मिल रहे हैं, जिसमें से मैक डिलीवरी में आपको मिल रहा है ₹249 का,
स्विगी में मिल रहा है कुछ, आजियो में मिल रहा है, मंत्रा में मिल रहा है, सब्सक्रिप्शन मिल रहा है 3 महीने का गाना का फ्री, तो ये कुछ एडिशनल आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सबसे बड़ा जो हाईलाइट है ये है कि आप जो भी स्पेंड करते हो हर महीने, मान लो आप कुछ शॉपिंग करने जाते हो या कोई किराना का सामान, कोई भी होगा, नॉर्मल बंदा भी होगा, तो एटलीस्ट एक परिवार में 5-10 हज़ार रुपये का सामान तो लग जाता है, बट वही स्पेंड आप इस कार्ड के थ्रू करते हो तो आपको 1% कैश बैक भी मिल रहा है, ठीक है, एवरी स्पेंड पे। वहीं पे आपने जो भी इन्वेस्ट मतलब FD में पैसे लगा रखा, मान लो मैंने 5 हज़ार रुपये लगाया, तो 5 हज़ार में मुझे साल का 7% रिटर्न भी मिल रहा है दोस्तों। और जब हम FD करते हैं ना, तो वहाँ पर जब भी हम FD तोड़ते हैं तो पेनल्टी लगती है दोस्तों, तो इसमें ये दिक्कत नहीं है क्योंकि इसमें आपको 90% लिमिट तुरंत मिल जाती है और इसकी ज्वाइनिंग फ़ी भी 0 रुपीज़ है दोस्तों। इसमें आपको एक वर्चुअल कार्ड भी मिल जाता है, फिजिकल कार्ड भी मिल जाता है, और कोई भी यहाँ पे ना आपका सिविल स्कोर चेक होता है, मतलब कोई भी सिविल स्कोर अगर आपका ख़राब भी है तो भी आपको मिल जाता है। सबसे जो बेनिफिट लगा इस कार्ड का मुझे कि आप सिविल स्कोर भी अच्छा बढ़ा सकते हो अपना, अगर आप टाइमली पेमेंट करोगे, ठीक है, तो अगर आपका सिविल अच्छा होगा तो आपको भविष्य में एक अच्छी कंपनी से लोन भी मिल सकता है, वो भी कम इंटरेस्ट का, ठीक है। आपको पता होगा तो मैं आपको बता दूँ, नहीं पता तो, कि जो इंटरेस्ट रेट है वो जो वेरी करता है वो कस्टमर के सिविल स्कोर पे वेरी करता है, तो अगर आपका सिविल जितना अच्छा होगा उतना कम इंटरेस्ट का आपको लोन मिलेगा, ठीक है। आप इस कार्ड को वर्चुअली में कहीं वर्चुअली भी यूज़ कर सकते हो, फिजिकली भी यूज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पे। अब मैं आपको बताता हूँ इस कार्ड को अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने की प्रोसेस देखते हैं। अप्लाई करने से पहले एक चीज़ मैं और बता दूँ दोस्तों, ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है वो सिर्फ 31 मार्च तक के ही अंदर आपको ये चीज़ें करनी है, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज बेनिफिट ये आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि आपको ये बेनिफिट जो मिलेगा 31 मार्च के पहले, जितना जल्दी हो सके आप ये कर लीजिएगा, तो हमारे टीम की तरफ से, हमारे तरफ से भी आपको 500 रुपये का कैश बैक मिलेगा, लेकिन हमारा जो डेडलाइन है वो है 10 मार्च के पहले आपको चीज़ें करनी है, तो स्क्रीनशॉट भेजना है हमें, उसके बाद ही आपको कैशबैक ये देखने को मिलेगा। अगर आपकी सक्सेसफुल FD हो जाती है, आपको ये कार्ड अगर मिल जाता है, तो आपको हमें स्क्रीनशॉट भेजना है, अगर आपने हमारे लिंक से किया होगा तो हम डायरेक्टली आपको 500 रुपीज़ गिफ्ट भी करेंगे, ये हमारे तरफ से है, ठीक है ना। तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहे हैं सिर्फ एक FD में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ अप्लाइंग प्रोसेस, ये सारी चीज़ें हमारे लिंक से ही करना है। जैसे ही हमारे लिंक पर आप क्लिक करते हो, कुछ डिटेल डालते हो, तो आप ऐसी ऐप में पहुंचोगे जिसमें यहाँ पे लिखा होगा ज्वाइन SBM क्रेडिलो। इसमें क्लिक करने के बाद एक मैसेज आएगा, OTP जाएगा, OTP जाने के बाद चेकिंग योर सिम चेक करा जाएगा, सिम चेक करने के बाद आपका सिम जो है वेरीफाई किया जाएगा और OTP के थ्रू, ठीक है। इसके बाद ये कुछ स्टेप है, पहले सिम वेरीफिकेशन है, फिर दूसरे नंबर पर है कि FD सिलेक्शन, मतलब आप मिनिमम कितने रुपये की FD कराना चाहते हो। अगर आप 5 हज़ार रुपये की FD कराना चाहते हो तो आपको मेच्योरिटी जब होगी तो आपको 5,385 रुपये मिलेगा, मेच्योरिटी डेट भी निक के आ जाएगी दोस्तों, और आपको क्रेडिट लिमिट भी इंस्टेंट मिल जाएगी 4,500 रुपये की, ठीक है ना। और आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलते हैं अभी, 5,000 का, 10,000 का, 25,000 का, 50,000 का, जैसे आपकी एबिलिटी हो, कैपेबिलिटी हो, उसके अकॉर्डिंग आप FD कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम 5,000 की करते हैं तो चूज़ 500 फॉर FD फिक्स डिपॉजिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन हमारे पास आता है, ठीक है। FD सिलेक्शन के बाद दोस्तों आता है पैन वेरिफिकेशन, इसके बाद हमें अपना पैन नंबर डालना है, हालांकि कोई सिविल स्कोर इसमें नहीं देखा जाएगा, बट आपको पैन नंबर डालना है क्योंकि फाइनेंशियल जो भी चीज़ें होती है ना उसमें पैन नंबर लगता है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मदर नेम और ईमेल एड्रेस लगेगा। इसके बाद आपकी जो मेल ID, इसमें एक OTP जाएगा दोस्तों, तो ये स्टेप्स भी आपका कम्प्लीट हो जाएगा सक्सेसफुल तरीके से। इसके बाद आपको आधार वेरीफिकेशन करना होता है यहाँ पे, तो बस आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डाल करके चेकबॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से, उसमें एक OTP प्राप्त होगा, उसमें आपको कंफर्म OTP पे क्लिक करना है। तो ये वाला स्टेप्स भी आपका हो जाएगा, आधार वेरिफिकेशन वाला स्टेप्स भी कम्प्लीट हो जाएगा। अब आते हैं अगले स्टेप्स में, तो अगले स्टेप्स में आपको कुछ डिटेल और डालनी है, जैसे कि पर्सनल डिटेल डालनी है दोस्तों, और जो भी डिटेल डालना है दोस्तों अपनी सही सही डिटेल डालना, कोई भी गलत डिटेल डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सैलरीड हो तो सैलरीड डालना, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड डालना, जितनी इनकम करते हो उतनी डालना, क्योंकि जब आप वीडियो KYC करोगे तो उस टाइम पे पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को वीडियो KYC इसलिए रिजेक्ट हुई है कि उन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ और डाली है, और यहाँ पे जब वीडियो KYC हो रही थी तो वहाँ पे कुछ और बताया है। ये काम आप नहीं करेंगे, आपका जो डिटेल है वो एक ही डिटेल रहेगी, चाहे कोई भी आपसे पूछे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली एक बार FD का अमाउंट आपको दिख जाएगा,
इतने की आप एफडी कराना चाहते हो, आपकी एप्लीकेशन डिटेल भी हो चुकी है, फिर आपको एफडी का अमाउंट पे करना होगा। दोस्तों आपको पहले बैंक अकाउंट वेरीफाई कर लेना है, बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आपको 5,000 रुपये जमा करने हैं। तो ये गूगल पे से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, आपको ये 5,000 रुपये फिक्स डिपॉजिट करने होते हैं दोस्तों। इसके बाद आता है मेन स्टेप जो कि है बैंक वेरीफिकेशन। तो चैट बैंक वेरीफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पे आ जाएगा कार्ड इशूइंग आ जाएगा, पर्सनल कार्ड। लेकिन दोस्तों इतना ही नहीं है, इसमें एक स्टेप और है वीडियो केवाईसी का। तो वीडियो केवाईसी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वीडियो केवाईसी में आपको अपना आधार कार्ड रखना है, अपने पास एक पैन कार्ड रखना है दोस्तों, और यहाँ पे आपको एक पेन रखना है, ठीक है, और एक ब्लैंक पेपर रखना है। ये 3 से 4 चीज़ें रखनी है, और जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिल करी हुई है उस इन्फॉर्मेशन को सही सही आपको बताना है। आपके यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मैसेज के थ्रू भी मिल जाएगा, या फिर आपके ईमेल में भी वीडियो केवाईसी का लिंक आ जाएगा, वी केवाईसी लिखा होगा उसमें। वी केवाईसी आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपकी वी केवाईसी सक्सेसफुल हो जाती है तो आपको ये कार्ड मिल जाएगा कुछ ही टाइम में। लेकिन अगर आपकी ये वीडियो केवाईसी सक्सेसफुल नहीं होती है तो आपका ये जो रिफंड का जो अमाउंट है, जो आपने 5,000, 10,000, 20,000 जितना भी जमा किया होगा, जिस अकाउंट से आपके वो पैसे कटा है उसी अकाउंट में वो पैसे वापस भेज दिए जाएंगे दोस्तों। लेकिन जो कैशबैक का बेनिफिट हम उन्हें ही देंगे जिनका यहाँ पे केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा, जिनका कार्ड आ जाएगा, उनको ही ये बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों, जो कि मैंने आपको बताया है। तो आप सभी लोगों का वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। कोई भी अगर डाउट है आपके मन में तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ।